अनिल जी, आज ओम प्रकाश राजभर की रैली है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और वो ओम प्रकाश राजभर ने बताया भी कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई है आगे आगामी चुनाव को लेकर के, तो रैली को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? वो अपनी पार्टी चलाते हैं, उनके पार्टी का कार्यक्रम है। स्वाभाविक तौर पे चुनाव नज़दीक आता है तो सारे लोग अपनी पार्टियों की रैली किया करते हैं, उसी क्रम में वो कर रहे होंगे। हम लोगों की शुभकामना है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात का सवाल या आगे साथ चलने का सवाल, तो हम लोग तो पहले ही दिन से कह रहे हैं किसी को कहीं नहीं जाना है, सब लोग यहीं रहेंगे। को कमान समा दे दी गई है कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के लिए, कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहली बार नहीं है, राज बब्बर जी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अपने संगठन के मुखिया हैं यूपी के, तो नेतृत्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अपना उनका एजेंडा है, उस तरीके से उन लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो चाहे राज बब्बर जी कमान संभालें या प्रियंका जाए राहुल गांधी संभालें, कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री इलाहाबाद है, प्रधानमंत्री जी आज पहले गोरखपुर, देश के किसानों के साथ संवाद, और इस अवसर पर मुझे लगता है कि किसानों को कुछ न कुछ उपहार भी देंगे। वहाँ से ऐतिहासिक कुंभ के दर्शन करने का कार्यक्रम भी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का है। पाकिस्तान को माकूल जवाब मिल चुका है, लेकिन देश की जनता तो कुछ और मूड में है, क्या कहना? नहीं, अभी तो जवाब मिलेगा, और देश की जनता का भरोसा पूज्य प्रधानमंत्री जी पर है। अभी कल के भी बयान आप देखें, आज भी प्रिंट मीडिया में भी काफी उसको महत्व देकर उस बात को लिखा है, प्रिंट मीडिया ने भी। जवाब तो मिलेगा, पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। उम्मीद है, उम्मीद नहीं, विश्वास है, विश्वास है जवाब मिलेगा, और जवाब ऐसा मिलेगा दोबारा पाकिस्तान को हिम्मत नहीं होगी देश की तरफ देखने की।